हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जो हमारी एसे की सीरीज थी और मैंने जो उसमें लास्ट टाइम एसे दिया था वो था रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन डेमोक्रेसी। ये जो एसे लिख के भेजा है, ये इनका नाम है सार्थ कुमार जी, और इनके एसे का हम थोड़ा सा एवोल्यूशन करेंगे और साथ में आप लोगों को भी कुछ नई चीज़ जानने को मिलेगी, और अपना जो आप एसे राइटिंग लिखेंगे उसमें आपके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल होगा, और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सार्थ जी ने जो है इसे एसे को लिखा है, और आप इसे को किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं और इनकी खूबियों को अपने ऐसे में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी जो लाइव क्लासेज हैं वो चलती हैं 8 बजे डेली, किसी ना किसी टॉपिक पे होती हैं, कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटी। ये ग्रुप में उसकी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि आज कौन सी क्लास होने वाली है, तो आप भी उस क्लास का पार्ट बन सकते हैं। और जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि रेलवेज, एसएससी या फिर एम्स ऋषिकेश, इस तरीके में जिसमें भी जीएस आता है, वो आपके लिए काफ़ी जो है फ्रूटफुल होगा, और आप अपना भी इवोल्यूशन वहाँ पर कर पाएंगे कि आप कितने 25 में से, ज़्यादातर 25 क्वेश्चनों का हम सेट लेते हैं कि आपको पता चलेगा कि 25 क्वेश्चन में से आप कितने कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो इन्होंने लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया बिगिन विद द पैसेज ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री बताई है कि जिस तरीके से सबसे पहली बार जो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। मगर दोस्तों, ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो हम आज है, मतलब इसका ज्यूरिडिक्शन जो था उस समय पर काफ़ी सीमित था। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, विथ प्रोविजन एस्टेब्लिश ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एट मैंशनड अगेन इन 1935 एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज इस्टेब्लिश ऑफ फेडरल कोर्ट वॉज मैंशनड विच इवेंचुअली केम इन टू द एग्जिस्टेंट इन 1937। तो दोस्तों, जो आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली के अंदर है, वो उसकी स्ट्रक्चर यही थी जो 1937 में जो बन के आया था, 37 वाला। जो 1773 था उसका ज्यूरिडिक्शन बहुत ही सीमित था, वो बाकी जो अंग्रेजों की जो टेरिटरी थी यहाँ पर, जैसे प्रेसिडेंसी जो थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इनका ज्यूरिडिक्शन में नहीं था। तो ये उस समय उसका नाम भले ही सुप्रीम कोर्ट था, मगर जो है उसका कार्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसकी जो है उसकी भी मतलब आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अगर एक बार डिसीजन हो जाता है फिर उसके लिए कहीं और रिव्यू नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट था उसके खिलाफ जो है, आप लंदन में जाकर जो एक अलग से प्रिवी पर्स नाम से जो एक कोर्ट थी उसके अंदर जो है आप जाकर कर सकते थे, ठीक है, कंप्लेंट कर सकते थे। फिर है, व्हेन ए पार्लियामेंट ऑफ द गवर्नमेंट लाइक ब्रिटेन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, इट वॉज अ ग्रेजुअल स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स सिविल राइट्स और फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में इन्होंने जो है उसकी हिस्ट्री बता दी, और यहाँ पर जो है बताया गया है किस तरीके से डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होती है, और खासकर सिविल राइट और फंडामेंटल राइट। आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है उस केस के अंदर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही जा सकते हैं। जिस प्रकार हमारे छः फंडामेंटल राइट हैं, शुरुआत में जो है 7 थे, बाद में जो है ये जो प्रॉपर्टी वाला जो है ये हटा दिया गया था, इसे फिर लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ए प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग डेमोक्रेसी एट अवर कंट्री थ्रू एट दीज सिंस इंडिपेंडेंस फॉलोइंग आर द रोल्स प्लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब नीचे बताए गए हैं फॉलोइंग्स। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने ये बताया, एज ए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जिस तरीके से ये फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, संरक्षक के रूप में कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो एज पर द आर्टिकल 13 ए लॉ विच इज अगेंस्ट द इनकंसिस्टेंट विद द, अब देखिए जो हमारे सार्थ जी हैं इनसे मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको राइटिंग पे सुधारने की ज़रूरत है, कभी कभी आपके वर्ड कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि जहाँ पर राइटिंग नहीं क्लियर हो पाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करें अगर आप राइटिंग सुधार सकते हैं। ठीक है, अगला है, अगला पॉइंट जो है इन्होंने यहाँ पर पूरा सा बताया है कि 14 से लेकर आर्टिकल 14 से 35 तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिए उसके खिलाफ जो है हम वहाँ पर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और उसके अलावा जो आर्टिकल 32 है, 32 में सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट जारी करने का मौका मिलता है। देखिए इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ थोड़ा सा। आर्टिकल 32 विच गिव्स द सिटीजन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी द इम्पोर्टेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू
रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एनी वेयर इन इंडियन टेरिटरी टू एनी पर्सन गवर्नमेंट एज वेल। ठीक है, मतलब ये दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है, किसी पर्सन के खिलाफ भी और किसी गवर्नमेंट के खिलाफ भी। ठीक है, फिर है प्रोटेक्टर ऑफ फेडरलिज्म। जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है, तो फेडरलिज्म कहते हैं कि इस तरीके के जो राज्य मिलकर जो एक संघ बनाए तो उसका संरक्षक है ये, क्योंकि जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डील विद द केस रिलेटेड टू एनी लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। तो देखिए जो इसका शुरुआत ये है कि अगर या तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट है या फिर दो स्टेट के बीच में है, तो ऐसे केस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखे जाते थे। ठीक है, देखे जाते हैं, मतलब ये ही इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। और उसके आगे जो इन्होंने लिखा है, आगे दिखा देता हूँ मैं आपको, पॉइंट थर्ड, एज एन एडवाइजर ऑफ द सुप्रीम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर जो 143 है वो उसके तहत जो है एक राष्ट्रपति प्रधान मतलब प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, कि कोई भी लॉ बनाते समय, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा लोकसभा में कोई बिल पास होता है फिर राज्यसभा में, उसके बाद जो है वो जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मैं इसमें सलाह ले सकता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकता है कि जानने के लिए उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, और मगर वो बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, वो सलाह ले सकता है। उसके अलावा अदर रोल में इन्होंने लिखा है, एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट का रोल रहता है। ऑल द लॉ इनैक्ट एज वेल एज एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट इज इंटीग्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट विच इज पावर एट जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि आपको पता होगा जो जुडिशियल रिव्यू है वो लिया गया अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है, उसके तहत किसी भी लॉ को जो है या एक्ट कोई भी पास हुआ है उसके तहत जो है इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। यहाँ पर एक तरीके से देखिए लोकतंत्र को बचाने की ही बात चल रही है। आगे, ऑर्डिनेंस इश्यू बाय द आर्टिकल 123 इफ डायरेक्टली वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन शट डाउन, हाँ शट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्डिनेंस जारी किया गया और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संवैधानिक नहीं है तो उसे भी निल एंड वॉइड किया जा सकता है। ठीक है, आगे लास्ट पेज है, लगभग मुझे लगता है 700 वर्ड की लिमिट जो है काफ़ी अच्छे से पूरी की है। अब है जुडिशियल एक्टिविज्म। एक तरीके से इसके अंदर क्या है, क्या हैज़ बिकम अ न्यू एज वेल एज इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हेन द लेजिस्लेटिव एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव इज साइलेंट। जहाँ पर कानून और कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जहाँ साइलेंट हो जाती है वहाँ पर जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हाईवे से जो शराब की दुकानें थी वो जो हटवाई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही हटवाई गई थी, उसमें कोई लॉ नहीं बनाया गया था उस समय तक। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो खुद में ही एक लॉ का कार्य करते हैं, या तो पार्लियामेंट लॉ बनाए, अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया तो वही एक तरीके से लॉ बन जाता है। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि जो SC ST का पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद जो है अभी सरकार उस पर ऑर्डिनेंस लेके आई है। ठीक है, मगर अदरवाइज जो है वही वाला लॉ रहता है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन में कहा था। ठीक है, फिर है सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी, फिर ये कंक्लूजन लिखा है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट रोल इन डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग साइड ऑफ द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव व्हेन ए लॉ इज, देखिए कुछ पढ़ने में शब्द जो हैं इस तरीके से हो रहे हैं, ट्रेस्ड एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट कांट इंटरप्रिटेट द लॉ। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो लिखनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेट करता है संविधान में ऐसी चीज़ों को भी जो ठीक तरीके से नहीं है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 19, इनको इंटरप्रिटेट मतलब किया जा रहा है, अभी भी ये इतने वाइड हैं, ये कौन इंटरप्रिटेट कर सकता है। जैसे राइट टू लिव, जीने का अधिकार है, मगर सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, एक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे PIL लगती जाती हैं, तो ऐसे में जो है अलग अलग तरीके डिसीजन आते रहते हैं और इसका जो विस्तार है वो होता जाता है। ठीक है, खासकर आर्टिकल नंबर 21 और 19 के तहत जो है, जो हमारा 19 आर्टिकल है उसमें। फिर डेमोक्रेसी कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट द सुप्रीम कोर्ट विच इज इविडेंट फ्रॉम द रोल ऑफ द प्ले इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए ये आपका काफ़ी अच्छा रहा, अगर साथ में इसमें आप थोड़े से एग्जाम्पल अगर जोड़ देते तो काफ़ी
और आकर्षक इस ऐसे को बना सकते रहे। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी तरुण गोगोई जी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं और उनके साथ में जो चमलेश्वर सर हैं, मतलब तीन चार जजों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता तो, और या फिर साथ में कुछ ऐसे डिसीजन जो कोर्ट के आए हैं जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म दिख रहा है, तो और ज़्यादा थोड़ा सा आकर्षक बनाया जा सकता था इस ऐसे को। बाकी सार्थ कुमार जी, आपका ऐसे काबिले तारीफ है, काफ़ी अच्छा लिखा है आपने, काफ़ी मेहनत की है, और आपको जो है थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान रहना है, घसीटा कम मारें, है ना, कहीं कभी कभी कुछ ज़्यादा ही आप वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। बाकी अच्छा, अब जो कल का जो ऐसे होगा, अब देखिए जो ऐसे का है, क्योंकि ऐसे मुझे सबके पढ़ने होते हैं, तो ऐसे एक दिन छोड़कर आया करेंगे, ठीक है। मैं आपको टॉपिक दिया करूँगा, आप अगले दिन पूरा लिखें अच्छे से और फिर उसके बाद मुझे भेज दें, ठीक है, और फिर जो है हम इसका मूल्यांकन करके आपको बताएंगे अल्टरनेट डे पे। तो अब जो कल के लिए आपको ऐसे है, जिसका इवोल्यूशन मैं परसों करूँगा, वह है रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। ये आपको दोनों ही तरीके से लिखना है, उसके खिलाफ भी नहीं चला जाना है और उसके मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट में भी नहीं चला जाना है। सरकार देखिए, कभी भी ऐसे में हम सरकार की किसी भी पॉलिसी का हम डायरेक्टली उसका विरोध नहीं कर सकते। आप खुद सरकार में जाने वाले हैं एक जॉब पाने के लिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप रिजर्वेशन सिस्टम पे लिखें इन इंडिया और फिर उसका एवोल्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।